वेलकम टू थिंक ऑक्सिन। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और मेड डाइजेस्ट के नए एपिसोड में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो टॉपिक अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चित है, खास करके फिल्म इंडस्ट्री में इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी की, या जिसे कहा जाता है IVF। दोस्तों आज हम टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ये किस तरह से किया जाता है इंडिया में, किस तरह से अवेलेबल है और इसका क्या कॉस्ट है। तो दोस्तों IVF आपने सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती फराह खान, इन्होंने 40 साल की उम्र के बाद भी ट्रिपलेट्स को, हाँ दोस्तों, तीन बच्चों को जन्म दिया। और अभी हाल ही में आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि करण जौहर ने एक सरोगेट मदर के द्वारा एक छोटी बच्ची को जन्म दिया। तो ये सब किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से किया जाता है, ये हम आज के मेड डाइजेस्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी को IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। दोस्तों भारत में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा और डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा योगदान है ये टेस्ट ट्यूब बेबी को लाने में। तो दोस्तों भारत का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी एक लड़की है, हाँ दोस्तों एक लड़की है, और उसका नाम है हर्षा चावड़ा। और इस लड़की को डिलीवर किया था डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने बॉम्बे की KEM हॉस्पिटल में 1986 में। तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया क्या है, तो ये मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि IVF एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें एक महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु का निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन महिला के शरीर में नहीं होकर ये होता है एक लेबोरेटरी में, हाँ दोस्तों एक लैब में फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रक्रिया में महिला को हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से उसका ओव्यूलेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्टिम्युलेट हो जाए, प्रोत्साहित हो जाए, और इसकी वजह से अंडाशय में से स्वस्थ अंडे तैयार हो और उन अंडों को पुरुष के स्वस्थ शुक्राणु के साथ एक तरल पदार्थ या फिर एक स्पेशल लिक्विड में रखकर एक लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन किया जाता है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन या निषेचन होने के बाद एक एम्ब्रियो या फिर एक भ्रूण तैयार होता है जिसे टेस्ट किया जाता है, जिस पर टेस्ट किए जाते हैं कि ये भ्रूण या फिर ये एम्ब्रियो स्वस्थ है या नहीं और इसमें किसी भी तरह के जेनेटिक डिफेक्ट्स है या नहीं। दोस्तों जब इनको पता चलता है कि ये एम्ब्रियो एकदम स्वस्थ है, तो इस तरह से जब एक स्वस्थ एम्ब्रियो या भ्रूण तैयार हो जाता है तो इसे तीसरे या फिर पांचवे दिन एक महिला के गर्भाशय में या फिर एक जिसे कहा जाता है यूट्रस में बहुत सावधानी से रखा जाता है ताकि वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF ऐसे केसेस में किया जाता है जब महिला की उम्र ज्यादा होने की वजह से वो मां नहीं बन सकती है, या फिर किसी महिला को गर्भाशय की बीमारी या फिर कैंसर होने की वजह से उसका गर्भाशय निकाल दिया है, या फिर उसका गर्भाशय ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। आजकल दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे भी केसेस में किया जाता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट हो, जैसे कि करण जौहर ने किया। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जो स्वस्थ एम्ब्रियो है या फिर जो स्वस्थ भ्रूण है उसको एक ऐसी महिला में रखा जाता है जो उस बच्चे की नैसर्गिक मां नहीं है, और एक ऐसी महिला जो उस एम्ब्रियो या फिर वो भ्रूण से जेनेटिकली या फिर अनुवांशिक रूप से संबंधित ना हो, ऐसी महिला को दोस्तों सरोगेट मदर भी कहा जाता है। तो दोस्तों करण जौहर ने सरोगेट मदर के द्वारा एक बच्ची को जन्म दिया। दोस्तों IVF की प्रक्रिया ऐसे केसेस में भी की जाती है कि जब भी पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो या फिर पुरुषों में शुक्राणु की क्वालिटी ठीक से ना हो या फिर उनको किसी भी तरह की बीमारी हो जिसकी वजह से उनके शुक्राणुओं को इफेक्ट हो रहा हो, तो ऐसे में भी दोस्तों IVF की प्रक्रिया काम आती है। तो दोस्तों इस तरह से जो IVF की प्रक्रिया के द्वारा जो एम्ब्रियो बनते हैं, तो कई बार क्या होता है कि IVF की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा सफल करने के लिए एक से ज्यादा एम्ब्रियो या फिर भ्रूण को गर्भाशय में डाला जाता है जिसकी वजह से कई बार जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन इसकी वजह से माता में मिसकैरेज का बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये प्रक्रिया जो IVF की प्रक्रिया है वो अगर एक कुशल डॉक्टर की निगरानी में हो तो रिस्क की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है और एक स्वस्थ बच्चे की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों भारत में इस प्रक्रिया या IVF का खर्चा 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का मेड डाइजेस्ट। आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस है, आपको कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है, तो प्लीज
मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर और गुड नाइट।